नमस्कार, मैं अनुपम अनूप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बार सवाल उठाए गए हैं और हर बार मामला बहुत ही संजीदा होता है। इस बार भी बात कुछ ऐसी ही है। मामला जो है वो गाजियाबाद पुलिस का बताया जा रहा है और जिसके द्वारा यह समझ में आ रहा है कि बच्चों के सामने एक पिता को पुलिस वालों के द्वारा मिल करके पीटा जा रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, जो पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है, वह इस तरीके का व्यवहार करके दर्शाना क्या चाहती है? क्या इस तरह का व्यवहार जनता के प्रति असुरक्षा की भावना को पैदा नहीं करता है? अभी हमने पिछले दिनों ही देखा कि लखनऊ कैंट एरिया में एक सैनिक के साथ अभद्रता की गई। अभी उसके कुछ समय पहले एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस तरह की कार्य प्रणाली पुलिस के पुलिसिया तंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और कहीं ना कहीं सोचने पर विवश करता है कि क्या यह पुलिस सिर्फ हमें डराने और धमकाने के लिए रह गई है। हाँ, चलान का बढ़ना या किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के अपने कानूनी नियम कायदे होते हैं, लेकिन किस हद तक इसे सही ठहराया जा सकता है कि चलान या किसी भी कार्रवाई के लिए अभद्रता की जाए, लोगों से मारपीट की जाए, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाए, गाली गलौज किया जाए। हमें हमारे प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इस पुलिस के तंत्र को भी, इस पुलिस प्रशासन को भी जनता की सुरक्षा के साथ साथ जनता के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे की सूचना के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो जो गाजियाबाद से आ रहा है। लड़की अच्छा, इतना कानून तो नहीं पड़े, लड़कियों के साथ लगा रहे हो। अरे मेरी बात सुनो, इसे तू यूट्यूब पर डाल, जल्दी यूट्यूब पर डाल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।